दोस्तों दीवार पर लगी पीसते और बेचते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस इंसान ने अपनी पीठ पर बनी इस पेंटिंग को आखिरकार कैसे बेचा? और आखिर जिस इंसान ने इस व्यक्ति के पीठ पर बनी इस पेंटिंग को खरीदा था, क्या वो इस इंसान को ही अपने घर ले गया था? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो कि हमें हैरत में डाल देते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने वाले हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को ही हैरत में डाल दिया। तो दोस्तों चलिए आज की इस बेहद अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। नंबर वन, काइल मेनार्ड। दोस्तों 1986 में जब काइल मेनार्ड का जन्म हुआ, तभी से उनके हाथ और पैर नहीं थे। इतनी बड़ी रुकावट होने के बावजूद भी काइल बचपन से ही बेहद चुस्त और खेलों में भाग लेने के शौकीन थे। इन्होंने अमेरिकन फुटबॉल खेला और साथ साथ ही वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 2004 में इन्होंने बेहतरीन खिलाड़ी होने का एसपी अवार्ड भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद काइल ने अपनी एक किताब भी लिखी और साथ ही उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी करना शुरू किया। वो अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट रहने की टिप्स भी देते हैं। और ये सब सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का फैसला किया और वो भी सिर्फ हाथों और पैरों की मदद से, जिसके लिए इन्होंने कई महीनों तक पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस की। काइल इस पहाड़ को 16 दिनों में पार करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ 15 दिनों में ही काइल इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने डिसेबल होने के बावजूद भी माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की। नेक्स्ट इज स्टैनिस्लाव एक्सेनव। दोस्तों आपने रोप जंपिंग करने वाले लोगों को तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी बॉडी की स्किन पर ही केबल लगाकर रोप जंपिंग करता हो? अगर नहीं तो अब देख लीजिए। दोस्तों स्टैनिस्लाव एक्सेनव दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जिसने अपनी बॉडी पर हुक लगाकर रोप जंपिंग की। जी हाँ, इन्होंने लिटरली अपनी बॉडी की स्किन पर हुक्स को लगाया और उसके बाद रोप जंपिंग की, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि ये दिखने में ही बेहद ज्यादा दर्दनाक नजर आता है। लेकिन इनका कहना है कि इन्हें ऐसा करने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इन्होंने ये सब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। दोस्तों आर्ट गैलरीज में आर्टिस्ट की पेंटिंग को बिकते हुए तो हम सभी ने देखा है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी किसी को अपनी पीठ पर पेंटिंग बनाकर बेचते हुए देखा है? लेकिन दोस्तों इस इंसान ने अपनी पीठ पर पेंटिंग को बनाकर और उसे बेचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि ये सोचना और समझना काफी मुश्किल है कि आखिरकार कोई अपनी पीठ को कैसे बेच सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि बेल्जियम का एक आर्टिस्ट विम डेलवॉय, जो पिक पर टैटूज बनाने की वजह से काफी फेमस हो चुके थे, तो उन्होंने एक इंसान पर टैटू बनाने का फैसला किया। उसके लिए उन्होंने टिम स्टाइनर नाम के एक व्यक्ति को चुना। 40 घंटे की मशक्कत के बाद विम ने टिम की पीठ पर एक काफी खूबसूरत पेंटिंग को बना डाला, जिसको एक आर्ट गैलरी में जर्मन आर्ट कलेक्टर रिम रिकिंग ने 1,50,000 यूरोज में खरीद लिया, जिसका 30% टिम को और बाकी परसेंट यानी कि 70% विम को मिला। और एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि टिम अपनी पूरी जिंदगी आजाद घूम सकते हैं, लेकिन जब टिम की मौत हो जाएगी तो उनकी पीठ की स्किन को निकालकर फ्रेम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज दुर्गा गामी। दोस्तों नेपाल से ताल्लुक रखने वाले ये दुर्गा गामी बेहद ही अनोखे शख्स हैं, जिन्होंने 70 साल की उम्र में हाई स्कूल कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस बात को साबित कर दिया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। दुर्गा गामी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए, जिसकी वजह से वो बचपन में स्कूल नहीं जा सके। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी वो स्कूल जाते थे तो उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता था। समय बीतता गया और दुर्गा अपनी जिंदगी की बाकी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए, लेकिन इन्होंने 60 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई को फिर से पूरा करने का फैसला किया। दुर्गा गामी अपनी पढ़ाई में इतने ज्यादा होशियार तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने साथ के बच्चों के साथ मिलकर काफी जल्दी पढ़ाई करना सीख लिया था और वो अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल भी गए थे। अपने पोते की
उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने में उन्हें काफी दिक्कतें तो आईं, लेकिन फिर भी उन्होंने 70 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा को पास कर लिया और अब वो आगे मास्टर डिग्री करने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट इज रेड एंड व्हाइट। दोस्तों, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले इन शख्स का नाम है सेवन राज, जिन्हें लाल और सफेद कलर इतना ज्यादा पसंद है कि इनके सभी सामान सिर्फ आपको रेड और व्हाइट कलर में ही देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ लाल और सफेद कलर के ही कपड़े पहनते हैं और इनके घर का सभी फर्नीचर भी लाल और सफेद कलर का ही है। इतना ही नहीं, इनके घर की क्रॉकरी भी सिर्फ लाल और सफेद कलर की है और अब तो इनके बच्चे भी इनके ही नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। इनके घर में सभी व्यक्ति सिर्फ लाल और सफेद कलर के ही कपड़े पहनते हैं। इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ लाल और सफेद कलर के दरमियान ही गुजरी है और यहाँ तक कि ये अगर गाड़ी भी ड्राइव करते हैं तो वो भी सिर्फ लाल या सफेद कलर की ही। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही अतरंगी लोग। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।